आप पहली बार देख रहे हैं तो देखिए इस तरह का होता है। मतलब अगर आपने वेफल खाया है तो ये ऊपर वेफल लगा हुआ है। ये बड़ी वाली फिश कौन सी है? शार्क है ये, और ये रंग बिरंगी जो दिख रही है वो कोई है। हेलो फैमिली, लवली फैमिली, हाउ आर यू। तो बिल्कुल स्वागत करता हूँ आपका एक और नए दिन के नए व्लॉग में। तो अभी मैंने वीडियो डाला ही है, ले बाइक चल दिए हम GT के चटकारे। तो आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी जिन जिन ने भी कमेंट्स किया है उनका शुक्रिया। श्वेता शुक्ला जी, शालिनी शुक्ला जी और कंचन कंचन जी बोल रहे हैं प्लीज आप तानवी का नाम लीजिएगा, मेरी 9 इयर्स की बेटी है। तो बिल्कुल तानवी, आपका शुक्रिया, हमारे वीडियोस रेगुलर आप देखते हो। बाकी आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको कुछ भी कमी लग रही है तो बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा। और क्या आपकी जो भी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर कि इस तरह के वीडियोस चाहिए, स्ट्रीट फूड चाहिए या ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस व्लॉग में भी पूरा मज़ा गाइस तो आने पिछले वाला है। वीडियो में तो आपने देखा था GT के चटकारे कुछ चटपटा हुआ था, और इस वीडियो में इस बार हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने। हाँ तो हम जा रहे हैं, आपको बताया था बेल्जियम वेफल खाने। आपके बहुत ट्रेंडिंग फूड है ये, तो आपने भी सुना होगा, आपके भी शहर में होगा। सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बेल्जियन वेफल। तो मैं भी पहली बार ही खाऊंगा। और इधर ये मानसरोवर में आए हैं हम, बेल्जियम वेफल का स्पेशल इधर शॉप है। तो तो बने रहेगा वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत टेस्टी वीडियो होने वाला है। और आज गाड़ी भी चला रहे हैं अक्षय भाई। हाँ गाड़ी मत ले, हर बार तो मेरे को देखा होगा आपने गाड़ी चलाते हुए, हमारी वैगन आर। और आज जा रहे हैं अक्षय की होंडा स्पेशल गाड़ी, मेज। होंडा अमेज। और कल कल जो बाइक देखी थी आपने वो भी अक्षय की थी, और आज कार भी अक्षय भाई हमारा। तो बिल्कुल शानदार, टेस्ट में काफ़ी सुना है कि टेस्टी लगता है, तो तो देखते चलिए, हैं। तो खाने के बाद ही पता लगेगा कैसे। यस गाइस, तो इधर बेल्जियम वेफल पे पहुंच गए हैं हम, इधर ये मानसरोवर एरिया में। और वेफल ले भी लिया है, चॉकलेट वेफल, और इसको लेके जा रहे हैं हम घर। बिल्कुल अभी तो घर लेके जाएंगे और घर जाके वहाँ खाएंगे आराम से बैठ के, तसल्ली से। बिल्कुल वहाँ खाएंगे और आपको पूरा इसका रिव्यू बताएंगे क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है। यहाँ शॉप पे तो मना कर रहे थे हमको, क्योंकि क्योंकि हम ना मेकिंग दिखा सकते थे और वो। ना इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा घर जाके खाया जाए इसको, कुछ नया हाँ ट्राई किया जाए। क्यों भाई, बिल्कुल, बेल्जियन वेफल लेके पहुंच चुके हैं घर, और अब आपको पूरा रिव्यू बताते हैं। तो अभी मैं हूँ अभी इधर अक्षय के घर, और पीछे जो आप अगर देख सकते हैं, पीछे आपको अगर दिख रहा है तो पीछे ये है एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। पूरा पॉइंट बना रखा है मैंने फिश का। मेरे को शौक है पैट रखने का, आपको भी कोई पैट रखने का शौक होगा तो जरूर कमेंट बताइएगा। आपको ध्यान हो तो हमारे चैनल पे पहला ही वीडियो था एक्वेरियम से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था उस वीडियो को। ये देखिए फिश एक्वेरियम, क्या मतलब लाइटिंग्स के साथ। कौन कौन सी फिश है ये कुछ पता है? हाँ एक गोल्ड फिश और कोई फिश है मेनली, और शार्क्स भी आपको दिख सकते हैं। गोल्ड फिश, शार्क फिश, ये बड़ी वाली फिश कौन सी है? शार्क है ये, और ये रंग बिरंगी जो दिख रही है वो कोई है। व्हाइट और व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। तो अगर किसी को अगर चाहिए, मतलब अगर कोई अपने व्यूअर्स कमेंट करे तो हाँ इसका कोई मतलब, टिप्स वगैरह चाहिए आपको इंसुलेटेड, कि क्या दिक्कत आती है सब कुछ पालने में? मतलब तो ऐसे मैं पेट पालने का शौक है, फिश पालने का, तो अभी तो फिश है फिलहाल। और किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए हो, कुछ हो, तो कांटेक्ट कर सकता है आप डायरेक्ट। बिल्कुल, मतलब आप कमेंट करके पूछ सकते हो फिश मतलब कहाँ से लेनी चाहिए या कौन सी हाँ फिश बेस्ट कितने रहती है। कितने हाँ मतलब कम से कम रुपए में कौन सी फिश आ सकती है चीपेस्ट प्राइस में, तो पूरा एक आइडिया है। हाँ और तो बिना देरी किए अभी तो बेल्जियम वेफल को ट्राई हम करते हैं। हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे। ये देखिए बेल्जियम वेफल, सबसे पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो देखिए इस तरह का होता है। मतलब अगर आपने वेफल खाया है तो ये ऊपर वेफल लगा हुआ है, गर्म होने के कारण पिघला हुआ है, और अंदर जो फिलिंग है इसके वनीला की लग रही है और चॉकलेट की। किटकैट वाला स्पेशल लिया है, इसमें काफ़ी वेराइटीज़ आती है। मैं आपको बताऊं, चॉकलेट वाला आता है, रेड वेलवेट आता है, इसमें पैनकेक्स भी आते हैं, पैनकेक छोटे छोटे आ जाएंगे 12। और ये वाला जो है ये एक ही आता है, ये हमारे पड़ा है 140 रुपीज़ 140 रुपीज़ का, 140 रुपीज़ का पड़ा है। तो अब इसे खा लेते हैं।
बिल्कुल मीठा है। अगर आप मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं और स्वीट लवर हैं, चॉकलेट्स भी खाते हैं तो भी पेस्ट्रीज चॉकलेट, चॉकलेट लवर हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर चॉकलेट लवर होती है तो काफ़ी पसंद आएगा। एक बार तो खा के देख सकते हैं। मैं बता दूँ जयपुर में ये जीटी के पास भी पड़ता है, मानसरोवर में भी है, वैशाली नगर में भी। आप गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, आपको कई जगह मिल जाएगा। बहुत फैला हुआ है। और मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, ये ज़्यादा तो इंडिया में नहीं चलता, मतलब इसका ओरिजिन हुआ है यूरोप में कह लो या यूएसए में कह लो, न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादा, मतलब वेस्टर्न डिश है एक तरह से ये। तो आजकल लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस होने लगी है ये डिश, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो आजकल लोग जयपुर में भी, दिल्ली में भी, आजकल इंडिया में भी आराम से खूब चलने लगे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया, पूरा मज़ा आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, धन्यवाद।